गाइस वेलकम बैक ऑन माय ऑफिशियल रूम। सो गाइस मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वीवो Y21L में अगर पैटर्न लॉक लग जाए, पासवर्ड लग जाए या FRP लॉक लग जाए तो आप उसको विदाउट फ्लैशिंग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे ऑफिशियल रूम की वेबसाइट पर लॉगिन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि लास्ट में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो लेटेस्ट फाइल्स आएंगी, जिनकी फाइल्स फ्री में नहीं मिलती हैं, वो फाइल्स मैं अवेलेबल कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले बैटरी को इंसर्ट करा देते हैं, ठीक है। बैटरी इंसर्ट कर दिया, फ़ोन को ऑन करके देखते हैं प्रॉब्लम क्या है हमारे फ़ोन में। तो ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारे इस फ़ोन में लगा हुआ है पैटर्न लॉक, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता कि इसका पैटर्न लॉक क्या है। तो हम किस तरीके से इसे अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉकिंग का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। सिंपली आपको EDL मोड पर जाना होगा अपने फ़ोन को ले जाके, मतलब होता है क्वालकॉम मोड पर ले जाना होगा अपने फ़ोन को। चलिए पहले फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेते हैं। स्विच ऑफ कर लीजिए। स्विच ऑफ करने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो हमारा जो फ़ोन है वीवो का Y51L, ये है क्वालकॉम मोड प्रोसेसर है, इसमें क्वालकॉम प्रोसेसर पड़ा हुआ है और इसका जो बोर्ड है वो क्वालकॉम है। तो क्वालकॉम के लिए आपको क्वालकॉम USB ड्राइवर्स चाहिए होंगे, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पर दे दूंगा। साथ ही साथ आपको फ्लैशिंग टूल भी दे दूंगा, जिसके थ्रू आप FRP लॉक रिमूव कर सकते हैं विदाउट फ्लैश। तो देखिए, पहले आपको वॉल्यूम अप बटन एंड पावर की बटन दोनों को एक साथ प्रेस करना है, जिससे आपका क्वालकॉम मोड खुल जाएगा। क्वालकॉम मोड तभी खुलेगा जब आप अपने PC से कनेक्ट करेंगे। वैसे ही आपका एक क्वालकॉम मोड ओपन हो जाएगा। तो चलिए अब PC पर चलते हैं और देखते हैं हम क्वालकॉम मोड को ओपन करके किस तरीके से इसमें से पैटर्न लॉक को रिमूव कर सकते हैं। पैटर्न लॉक, पासवर्ड, FRP, किसी चीज़ को भी आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए PC पर चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग PC पर आ चुके हैं। सिंपली आपको RG सॉफ्ट की फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पर दे दूंगा। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप लोडर को कुछ ऑप्शन आ रहा, लोडर को एडमिन के थ्रू आपको ओपन करना होगा। देन आपको यहाँ पे लिखा है हाउ टू इंपॉर्टेंट नोट, रीड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड मिल जाएगा, ये आपको यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। उसके बाद आपको सिंपली एक फ़ाइल चाहिए होगी, जो एड्रेस फाइल होगी हमारे फ़ोन की, क्वालकॉम फ़ोन की एड्रेस फाइल होगी। उसके थ्रू आप आसानी से पैटर्न लॉक को रिमूव कर सकते हैं, FRP लॉक को रिमूव कर सकते हैं और इजली FRP लॉक, पैटर्न लॉक, पासवर्ड कुछ भी रिमूव कर सकते हैं। चलिए लॉगिन हो गया हमारा, कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। हम क्वालकॉम मोड के डिवाइस को, जिसमें से यूज़र डेटा को फॉर्मेट करेंगे, तो चलिए मैनुअली फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैनुअल फाइल को सेलेक्ट करने के लिए सिंपली मैंने बता दूं पहले मैं आपको कि मैंने ये फाइल पहले से ही डाउनलोड कर रखी है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पर दे दूंगा। तो उससे पहले मैं अपने डिवाइस मैनेजर में आपको दिखा देता हूं, जो मेरा फ़ोन है वो कनेक्ट हुआ है या नहीं। चलिए दिखा देता हूं आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पॉट लिखा है, पॉट कॉम, तो यहाँ पे हमारा डिवाइस मैनेजर आ जाएगा। तो हम थोड़ा वेट करते हैं। पहले मैं अपनी USB हटा देता हूँ, हार्ड डिस्क हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने हार्ड डिस्क रिमूव कर दी। देन अब मैं कनेक्ट करूँगा अपने फ़ोन को। तो देखिए मैंने फ़ोन अपना कनेक्ट कर लिया है दोस्तों, अभी यहाँ पे दिखाएगा आपको, थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम। तो ठीक है दोस्तों, हमारा जो क्वालकॉम मोड है वो ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कॉन्टेंट, तो आपको मैनुअली फाइल को सेलेक्ट करना होगा। रीड करेंगे तो रीड नहीं होगा दोस्तों, एरर दिखाएगा। आप देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद एरर आ जाएगा, ये फील्ड हो जाएगा, क्योंकि मैनुअली फाइल, आपकी जो एड्रेस फाइल है वो आपको नहीं मिल रही है इसमें, तो आपको मैनुअली एड्रेस फाइल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैनुअली फाइल को सेलेक्ट करते हैं। चलिए ये फाइल आपको मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आसानी से आपको मिल जाएगी। देन आपको फॉर्मेट टू यूज़र डेटा रीसेट करना पड़ेगा। ये जो फाइल है, मैं आपको छोटी सी फाइल है, ये फाइल को आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद ओके, देन आपको यूज़र डेटा सेट करना होगा। तो देख सकते हैं हम यहाँ से हमारा यूज़र डेटा रीसेट हो चुका है। अब थोड़ी देखिए हमारा फ़ोन ऑटोमेटिकली रिबूट भी हो गया है। तो चलिए अब हम फ़ोन पर चलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा फ़ोन में से जो FRP लॉक है वो रिमूव हुआ है या नहीं। तो आइए चलिए फ़ोन पर चलते हैं। दोस्तों हम लोग फ़ोन पर आ चुके हैं। अब सिंपली मैं आपको फ़ोन पर दिखा देता हूँ हमारा जो सेटअप करना होगा। फ़ोन पूरी तरीके से रीसेट हो चुका है, आप उसके थ्रू आसानी से रीसेट कर सकते हैं। मैं वो फाइल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पर दे दूंगा और साथ ही साथ आपको ये लिंक भी दे दूंगा कि आप किस वेबसाइट के थ्रू आसानी से फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेटअप पर चलते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट। ओ सॉरी दोस्तों, मुझे बैक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया था। इंग्लिश सेलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट।
देन स्किप देन नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन योर फ़ोन हैज़ बीन सेटअप। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो फ़ोन है वो पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। तो आप IMEI भी चेक कर लीजिए कि कहीं आपकी IMEI तो नहीं उड़ी है, देख सकते हैं आप IMEI भी हमारी ऐसी की वैसी है। तो इस तरीके से अपने फ़ोन के क्वालकॉम फ़ोन के पैटर्न लॉक से FRP लॉक और किसी चीज़ की दिक्कतों को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑफिशियल रूम। बाय बाय।